झारखंड के लातेहार में एक कलयुग बेटे की करतूत सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, एक कलयुग बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या करके कुएं में फेंक दिया। झारखंड के लातेहार में एक कलयुग बेटे की काली करतूत सामने आई है। आपको बता दें, बालूमाथ थाना अंतर्गत मासियातू पंचायत के होलंग ग्राम में एक कलयुग बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार बेटा अब्दुल जब्बार खान ने 21 मार्च की रात को अपने पिता सहादुल्ला खान को टांगी और चाकू से वार कर हत्या कर दिया था। हत्या के बाद शव को अपने घर के पीछे अपने ही कुएं में डाल दिया था। जब कुछ दिन बाद उस कुएं से दुर्गंध आने लगी तो बेटे ने सबूत मिटाने के लिए उसमें लकड़ी डालकर आग लगा दी। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही बालूमाथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्त में लेकर पूछताछ करने लगी, जिसके बाद आरोपी ने अपने गुनाह को कबूल किया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और वही बचे हुए अवशेष को कुएं से निकालकर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। हाँ, एक अब्दुल जब्बार खान है जो अपने पिता मोहम्मद सैदुल खान की हत्या 21/5/20 को रात्रि में करके और कुआं में उसके सब को डाल दिया गया था और साक्ष को छुपाने के लिए उसने जो है सो कुआं में लकड़ी डाल दिया और लकड़ी वगैरह डाल दिया, जंगल डाल दिया और उसमें आग लगा दिया, जिससे उसका सब जो है मृतक का सब जल गया। कल जब बदबू आना शुरू हुआ तो लोगों ने देखा तो पता चला कि वो स्वीकार किया कि हाँ, वो अपने पिता की हत्या कर दिया है और उसको कुआं में फेंक दिया है। इससे पहले वो बहाना बनाता था कि पिताजी लातेहार गए हैं तो कहीं गए हैं तो कहीं गए हैं, और वो जो है सो साक्ष को छुपाने के नियत से बहुत तरह का प्रयास किया, ताकि JCB मंगा कर कुआं को ढकवाने के लिए भी प्रयास किया था, लेकिन नहीं कर पाया। जब बदबू आया और लोगों को पता चला और इसको पकड़ा गया, तब इन्होंने स्वीकार किया कि अपने पिता की हत्या वो इसलिए किया कि वो पिता से पैसा मांगता था और पिता पैसा नहीं देता। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और सब का जो जला हुआ भाग था, सिर्फ मांस और हड्डी का कुछ अंश था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेजा गया है। आपका नाम क्या हुआ? सौराई भगत। आप यहाँ के मारुंगलिया का मुखिया है। अच्छा, कब का ये घटना है? ये घटना आज का है। अच्छा, है ना, आज इन लोग, हमको पता 10 बजे ये हमको मालूम हुआ है, जो गांव हमको सूचना दिया उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग आए। उसके बाद हम अपना पिकेट प्रभारी को भी लेकर आए। अच्छा अच्छा, है ना, कि चलिए क्या मसला है, इन लोग बोल रहा है इस तरह का, चला जा देखने। तो हम लेकर आए हैं, सुबह 10 बजे से अभी तक हम यही छानबीन कर रहे हैं कि कौन क्या किया है, काम कहाँ से हुआ है, गाँव वालों से अभी पूछताछ। हम लोग आरोपी का पता नहीं चला अभी तक, आरोपी का पता नहीं चला है। अच्छा, इस पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को हमने कहा है कि इस पर कड़ी का ये करके उस पर कार्रवाई किया जाए। ठीक है। आप कौन हुए और घटना के बारे में क्या जानकारी है आपको? हम बहू हैं। यही बात पता चला कि ईद से 2 दिन पहले मार्के कुआं में डाल दिया जी। कुआं में डालने के बाद फिर उसको अच्छे से जला दिया जी। यही पता चला तो पर हम लोग दस बारह दिन हो गया होगा, हम लोग नहीं था मालूम। हम लोग कल पता चला कि कुआं में डाल के मार दिया है, कुआं में डाल दिया, जला दिया जी। यही पता चला तो नहीं आए जी। बहुत हम लोग इधर उधर कितना रिश्ता है, सब जगह खोजे थे, पता चला कि मार दिया है, डाल दिया। पैसे मारा, कहाँ मारा, बोली।